Hello students, welcome in the class of physics. Today I will teach chapter 1st physical world for class 11th. Class 11th में physics में बहुत सारा change हुआ है अभी 2020 के syllabus में. तो syllabus आपका बहुत कम हो गया है, chapter 1 का भी syllabus बहुत कम हो गया है. तो chapter 1 में कुछ ही topic रह गए हैं, करीब करीब आधे topic हटा दिए गए हैं. तो इतना रिडक्शन होने की वजह से चैप्टर बहुत छोटा हो गया है. इस चैप्टर में मैं आपको कुछ चीजें बता रहा हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है. सबसे पहले इसमें हम बात करेंगे फिजिक्स, कि फिजिक्स क्या होता है. ठीक है, तो फिजिक्स के लिए सबसे पहले आपको ये समझना है कि जो फिजिक्स है ये कहां से आया, वर्ड कहां से आया. ये ग्रीक वर्ड से आया है. ग्रीक वर्ड होता है फ्यूसिस. ग्रीक वर्ड होता है, इसका प्रोनंसिएशन होता है फ्यूसिस. इस फ्यूसिस वर्ड से आया है फिजिक्स. इस वर्ड का मतलब क्या होता है? इस वर्ड का मतलब होता है नेचर. इस वर्ड का फ्यूसिस वर्ड, ये ग्रीक वर्ड है, तो वहीं से फिजिक्स की स्टार्टिंग हुई थी. और ग्रीक वर्ड में है फ्यूसिस. ये फ्यूसिस का मतलब क्या होता है? नेचर. तो फिजिक्स है क्या? फिजिक्स है एक तो स्टडी ऑफ फिजिकल वर्ल्ड, फिजिकल वर्ल्ड के बारे में पढ़ना, एंड लॉज ऑफ नेचर. आप नेचर में जो भी चीजें देखते हो, जैसे मान लो मून रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, रोटेशन ऑफ मून. मैं आपको कुछ फिनोमिनन बताता हूं. रोटेशन ऑफ मून देखते हो आप अराउंड द अर्थ, और आप देखते हो रोटेशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, आप देखते हो फ्लो ऑफ रिवर. ठीक है, आप टाइड्स देखते हो. तो बहुत सारे फिनोमिनन जो आप देख रहे हो नेचर में. इसके अलावा आप मान लो स्काई, स्टडी ऑफ स्काई. तो ये सब चीजें, यूनिवर्स क्या है, स्टार्स क्या हैं, प्लैनेट्स क्या होते हैं, ठीक है, ये सब कहां से आए, कैसे आए, तो इन सब के बारे में जो हम पढ़ेंगे है फिजिकल वर्ल्ड. फिजिकल वर्ल्ड में हर चीज आ गई, जो भी आपके आसपास हो रही है वो सारी चीजें. और इसको डिस्क्राइब करने के लिए हमें कुछ लॉज पढ़ने होते हैं. भाई किसी भी चीज को जब आप डिस्क्राइब करते हो तो आपको उसके बारे में लॉज पता होना चाहिए, तभी आप डिस्क्राइब कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे. तो फिजिकल वर्ल्ड को पहले देखेंगे और समझेंगे ये क्या क्या हो रहा है, फिर ये क्यों हो रहा है, उसे हम लॉज ऑफ नेचर से डिस्क्राइब करेंगे. तो फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ फिजिकल वर्ल्ड एंड लॉज ऑफ नेचर. और आपके आसपास जो भी कुछ हो रहा है, जो भी कुछ हो रहा है, भले ही आप एक मोबाइल चला रहे हो या फैन चल रहा है या जो भी हो रहा है, ये सब कुछ किसकी वजह से हो रहा है? फिजिक्स की वजह से. और क्यों हो रहा है? यही स्टडी है फिजिक्स की. तो इसीलिए, क्योंकि फिजिक्स में इतनी ब्रॉड स्टडी है, हर चीज की स्टडी है, इसीलिए इसको किंग ऑफ साइंस बोला जाता है. फिजिक्स इज द किंग ऑफ साइंस. और आप एक बात याद रखना, फादर ऑफ फिजिक्स है न्यूटन. न्यूटन को फादर ऑफ फिजिक्स कहा जाता है. ठीक है, तो ये फिजिक्स की स्टडी के बारे में कि ये फिजिक्स है क्या. इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस. साइंस की एक ब्रांच है इन विच वी स्टडी अबाउट फिजिकल वर्ल्ड एंड लॉज ऑफ नेचर. और ये आप याद रखना क्या क्या फिनोमेनन, कुछ एग्जांपल्स. किंग ऑफ साइंस बोलते हैं क्योंकि ये बहुत ही बेसिक चीजें हैं, इसमें जो हर चीज पढ़ी जाती है, एक एक चीज आपके आसपास जो भी फिनोमेनन हो रहे हैं सबकी स्टडी की जाती है इसमें, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? किंग ऑफ साइंस. और फादर ऑफ फिजिक्स याद रखना न्यूटन. ठीक है, तो ये तो एक टॉपिक आपका फिजिक्स से रिलेटेड, ये फिजिक्स होता क्या है और उसमें हम क्या क्या पढ़ते हैं. तो ये बहुत ज्यादा इसका विस्तार है, बहुत सारी चीजें इसके अंदर पढ़ी जाती हैं और हर चीज को इसी के आधार पर समझा जा सकता है जो भी हमारे आसपास हो रहा है. तो ये तो था पहला पॉइंट इसका, फिजिक्स. अब एक पॉइंट आएगा यूनिफिकेशन एंड रिडक्शनिज्म. ये दो बातें इसमें हम पढ़ेंगे एक अगले टॉपिक में, यूनिफिकेशन एंड रिडक्शनिज्म.
अब समझो पहले यूनिफिकेशन क्या होता है। यूनिफिकेशन, यूनिफिकेशन ये होता है कि बहुत सारे फिनोमिनन, वेरियस फिनोमिनन, बहुत सारे फिनोमिनन हो रहे हैं, मान लो वेरियस फिनोमिनन डिस्क्राइब्ड, जिनको डिस्क्राइब्ड करें बाय अ सिंगल लॉ। आप आसपास देखो, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, उन सब को डिस्क्राइब अगर एक लॉ से कर दिया जाए सभी चीजों को, तो उसे हम क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को यूनिफिकेशन। क्या कहते हैं? यूनिफिकेशन। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे आप कहते हो रोटेशन ऑफ मून, रोटेशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ, अर्थ के चारों तरफ मून, अराउंड द अर्थ मून रोटेशन कर रहा है, ठीक है, रोटेशन ऑफ अर्थ, अर्थ भी रोटेशन कर रही है, रोटेशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, ठीक है, और फॉलिंग ऑफ अ बॉडी ऑन द अर्थ, मतलब कि मैं मान लो इस पेन को अगर यहां से छोड़ देता हूं तो ये नीचे जाएगा। न्यूटन ने ग्रेविटेशन को जो इन्वेंट किया था उसके ऊपर एप्पल गिरा था, तो एप्पल गिरते उसने कहा था ये एप्पल नीचे क्यों आ रहा है। तो ऐसे कोई भी बॉडी जो नीचे जा रही है, फॉलिंग ऑफ अ बॉडी ऑन द अर्थ, ठीक है, टाइड्स, ये सब अगर आप, ये बहुत सारे फिनोमिना ने देखो आप। अब एक छोटा सा एप्पल गिर रहा है और एक मून रोटेशन कर रहा है अर्थ का, और अर्थ रोटेशन कर रही है सन की, तो ये जितने भी फिनोमिना है ये अलग अलग है, वेरियस फिनोमिना, लेकिन इनको एक सिंगल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से डिस्क्राइब करा जा सकता है। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से इनको डिस्क्राइब किया जा सकता है। तो एक सिंगल लॉ बहुत सारे फिनोमिनन को डिस्क्राइब कर सकता है, और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, यूनिफिकेशन। क्या कहते हैं? यूनिफिकेशन। क्लियर है कहानी? तो ये होता है यूनिफिकेशन, सिंपल है, बहुत सारे फिनोमिनन अलग 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 तरीके के, लेकिन वो एक सिंगल लॉ से डिस्क्राइब हो जाए तो इस प्रोसेस को हम यूनिफिकेशन कहते हैं। अब आता है रिडक्शनिज्म। रिडक्शनिज्म क्या होता है वो देखते हैं। तो इसमें क्या होता है बच्चों, एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, कोई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम या कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, अब इसको आप डिस्क्राइब करना चाहते हो, कॉम्प्लेक्स मतलब जो कठिन है कोई, तो इसको क्या करोगे, इसको छोटी छोटी, वेरियस एंड स्मॉल, वेरियस एंड स्मॉल प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर दोगे, और फिर इन सब प्रॉब्लम्स का क्या करोगे, अलग अलग लॉ से इनको डिस्क्राइब करोगे। आपने एक बड़ी प्रॉब्लम ली, वो एक साथ डिस्क्राइब नहीं हो सकती थी, तो उसको छोटी छोटी प्रॉब्लम में डिवाइड कर दिया, और डिवाइड करा, अब उन छोटे छोटे को अलग अलग लॉग से आप डिस्क्राइब करो, तो वो पूरी जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम थी उसको आप सॉल्व कर सकते हो, कैन बी सॉल्व, ठीक है। तो उसको पहले वेरियस एंड स्मॉल प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर दो, फिर उनको आप डिस्क्राइब करो, तो ये कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम भी आपकी सॉल्व हो जाएगी। जैसे मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं कि मान लो जमीन पर रेत पड़ी हुई है, सैंड, और आपने क्या करा, एक कोई भी हैवी बॉडी ली और छोड़ दी, अब वो हैवी बॉडी गिरी तो अर्थ से लेकर, जैसे ये मान लो ये सैंड है, यहाँ पे ये एक एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है, अब यहां से आपने कोई भी मास को फॉल किया तो ये गया यहां से, यहां से यहां तक तो फ्री फॉल हुआ इसका, फ्री फॉलिंग, फ्री फॉलिंग मतलब विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन ये सीधे सीधे गिर गया, लेकिन जब ये सैंड के अंदर गया, थोड़ा सा अंदर भी गया, तब इस पर एक अपोजिंग फोर्स लगाया सैंड ने, अपोज किया इसका गिरने का, यहां पे कोई अपोज नहीं कर रहा, फ्री फॉल हो रहा है, यहां के बाद सैंड ने इस पर एक रेस्ट्रिक्शन फोर्स लगाया जिससे धीरे 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 लास्ट में जाके ये रुक गया यहां पे। तो इस प्रॉब्लम को दो पार्ट में डिवाइड कर दो, पहले फ्री फॉल और फिर यहां से यहां तक सेकेंड, और फिर इसको डिस्क्राइब करो। तो ये अभी आप, अब जब आप लॉज ऑफ मोशन पढ़ोगे, जब आप देखोगे ऐसी जो प्रॉब्लम्स है उनको एक बार में नहीं कर सकते आप,
तो क्या करो उनको दो बार में करो, पहले फ्री, क्योंकि इसमें दो फिनोमिनन आ रहे हैं, एक तो फ्री फॉलिंग आ रहा है और एक अपोज आ रहा है। जब सैंड इसको जब गिरेगा तो फिर सैंड इसको अपोज करेगी और धीरे धीरे रोक देगी इसको। तो एक तो फ्री फॉलिंग की प्रॉब्लम अलग से लोगे, एक जब ये सैंड के अंदर जा रहा है तो सैंड के अंदर का जो मोशन है उस प्रॉब्लम को अलग से सॉल्व करोगे, तो ये पूरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो ये पूरी एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, इसको वेरियस एंड स्मॉल प्रॉब्लम्स में डिवाइड करके इसको सॉल्व किया और सॉल्व करके पूरी प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो गई। ये प्रोसेस क्या कहलाता है? रिडक्शनिज्म। क्या कहलाता है? रिडक्शनिज्म। अब एक साइंटिस्ट था स्टीफन हॉकिंस, उसने क्या करा था, स्टीफन हॉकिंस उसने एक बुक बनाई है, अ बुक ऑफ एवरी तो इसने यूनिफिकेशन बताया, इसने ये बोला था, कई साइंटिस्ट इस जगह पर अभी इन्वेंट कर रहे हैं कि इतनी सारी फिजिक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो भी हो रहा है वो कहीं ना कहीं एक सिंगल कॉज की वजह से हो रहा है। तो साइंटिस्ट उस सिंगल कॉज को ढूंढना चाहते हैं और यूनिफिकेशन करना चाहते हैं, मतलब इतनी सारी फिजिक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, अपन को सभी चीजों का एक कॉज मिल जाए, इस वजह से हो रहा है। तो उसने अ बुक ऑफ एवरी प्रॉब्लम एक बुक बनाई थी, स्टीफन हॉकिंस बहुत बड़ा साइंटिस्ट था, मैक्सवेल था, उसने भी कुछ ऐसी इक्वेशंस बनाई हैं जिनसे हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो कई साइंटिस्ट इस जगह वर्क कर रहे हैं, यूनिफिकेशन हो जाए और सभी जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कर सकें, एक सिंगल लॉ बना दिया जाए। तो ये दो टॉपिक हो गए बच्चों, एक तो फिजिक्स के बारे में अपन समझ गए, यूनिफिकेशन समझ गए और रिडक्शनिज्म समझ गए। अब आते हैं फोर फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। नेचर में जो फोर फंडामेंटल फोर्सेस हैं उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा, एक एक फोर्स लेते जा रहे हैं। सबसे पहले है ग्रेविटेशनल फोर्स, इसके बारे में मैं आपको जो पॉइंट्स हैं वो बताता हूं। ग्रेविटेशनल फोर्स, कई बच्चे सोचते हैं कि अर्थ ही लगाती है केवल, कई बच्चे क्या सोचते हैं अर्थ ही लगा रही है केवल, नहीं ऐसा नहीं है। ये पहली बात आपको बताऊं, यूनिवर्सल है ये फोर्स। कैसा है? यूनिवर्सल मतलब हर जगह लगता है। यूनिवर्सल फोर्स का मतलब जैसे ये पेन और ये इंक, ठीक है, ये दोनों भी एक दूसरे पर ग्रेविटेशन लगा रहे हैं, लेकिन अभी अर्थ का ग्रेविटेशन ज्यादा इफेक्टिव है तो ये आपस में पास नहीं आएंगे, अर्थ इनको खींच लेगी। बाकी कोई भी दो मास, एनी टू मासेस अट्रैक्ट ईच अदर, कोई भी दो मास एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और दिस अट्रैक्शन इज कॉल्ड, ये अट्रैक्शन ही है, इसी को हम क्या कहते हैं, ये जो अट्रैक्शन कोई भी दो बॉडीज में लग रहा है इसी को हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। तो क्लियर है बच्चों, ग्रेविटेशनल फोर्स यूनिवर्सल फोर्स है। कैसा फोर्स है? यूनिवर्सल, हर मास के बीच लगता है ये। क्लियर है? पहली बात। दूसरी बात बच्चों ये कि इसकी जो रेंज होती है, लॉन्ग रेंज फोर्स है ये, मतलब इनफाइनाइट तक लगता है। कहां तक लगता है? इनफाइनाइट तक। कोई बॉडी यहां है और कोई इनफाइनाइट पर है तो उस पर भी ग्रेविटेशन लगेगा, लॉन्ग रेंज फोर्स। और ये स्मॉलेस्ट फोर्स है नेचर का, सबसे छोटा ये स्मॉलेस्ट है। अब आप सोचोगे सर तो बहुत ज्यादा होना चाहिए, आप कैसे कह रहे हो कि स्मॉलेस्ट है? आप जब चलते हो ना अर्थ पे तो आपको कोई फोर्स थोड़ी फील होता है इतना ज्यादा, अगर ये फोर्स बहुत ज्यादा होता ना तो आप अर्थ से चिपक जाते, और चिपक जाते तो फिर आप अपने पैर तक को भी नहीं उठा पाते। अपने पैर को उठा के देखो कितना इजीली उठ जाता है, वो इसीलिए उठ जाता है क्योंकि ये स्मॉलेस्ट फोर्स इन द नेचर है, इससे छोटा कोई फोर्स नहीं होता। फोर्स तो है पर बहुत ही छोटा, रेंज इसकी लॉन्ग है और यूनिवर्सल है, मतलब हर जगह लगता है, ठीक है। तो ये कुछ बातें, और किस किस के बीच लगेगा? दो मासेस के बीच। ये हमेशा अट्रैक्शन होता है, कभी रिपल्शन नहीं हो सकता है, ग्रेविटेशनल ऑलवेज अट्रैक्शन फोर्स होता है। क्लियर है? ये फर्स्ट हो गया ग्रेविटेशन, एक फोर्स, इसके बारे में कुछ बातें अपन ने जान ली। अब हम बात करते हैं, दूसरा फोर्स आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, सेकेंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ये जो फोर्स है ये
टू चार्ज पार्टिकल्स के बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स एक्स बिटवीन टू चार्ज्ड पार्टिकल्स। तो पहली बात ये किस पे लगता है बच्चों, चार्ज पार्टिकल के बीच में लगता है। ये कैन बी अट्रैक्शन, ये अट्रैक्शन भी हो सकता है, एंड कैन बी रिपल्सन, रिपल्सन भी हो सकता है। अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों में से कुछ भी हो सकता है। कौन सा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ये एक्चुअली दो तरीके के फोर्स होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रिक फोर्स, इस कैटेगरी में दो फोर्स आते हैं, और एक होता है मैग्नेटिक फोर्स। अब आप अभी ये याद रखो, इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है वो रेस्ट चार्जेस के बीच में लगता है। जो चार्ज मोशन में नहीं होते, रेस्ट कंडीशन में होते हैं, उनके बीच में कौन सा लगेगा? इलेक्ट्रिक फोर्स। और जो मैग्नेटिक फोर्स होता है वो चार्ज जो मोशन में होते हैं, मूवेबल चार्ज के बीच लगता है, या चार्ज इन मोशन। वो चार्ज जो मूव करता है वो क्या क्रिएट करता है? मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड में अगर दूसरा चार्ज है तो उस पर क्या लगेगा? मैग्नेटिक फोर्स। तो इन दोनों फोर्स को ही हम मिला के क्या बोल सकते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। क्लियर है? ये भी बच्चों लॉन्ग रेंज फोर्स है। ये भी कैसा है? लॉन्ग रेंज फोर्स। ये जो है ये वीकर देन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर, जो अभी हम थर्ड में पढ़ने वाले हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से तो वीक होता है। टोटल चार फोर्स होते हैं जिसमें थर्ड है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, उसके बारे में मैं बताऊंगा। इससे तो वीक होता है, कम लगता है, लेकिन बाकी दो जो बचे कौन कौन से? एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स, और एक होता है वीक न्यूक्लियर फोर्स। फोर्थ नंबर का देखो, ये फर्स्ट नंबर में पढ़ा, ये सेकंड में पढ़ा, ये थर्ड में पढ़ेंगे, ये फोर्थ में। तो थर्ड में जो पढ़ने वाले हैं उससे तो ये वीक है, लेकिन फर्स्ट और फोर्थ से ये स्ट्रॉन्ग फोर्स है। ठीक है, तो इसका भी हम एक ऑर्डर लिखेंगे, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर लिखेंगे। जो सबसे बड़ा फोर्स होगा उसको पहले रखेंगे, जो सबसे छोटा फोर्स होगा उसको बाद में रखेंगे। मैं आपको एक ऑर्डर बताऊंगा, तो उसमें ये सेकंड नंबर पे आएगा। कौन से नंबर पे? सेकंड, सबसे स्ट्रॉन्ग ये वाला, सेकंड पर ये आएगा। ठीक है, थर्ड पर आएगा वीक न्यूक्लियर फोर्स, और सबसे, मैंने अभी आपको बताया सबसे छोटा फोर्स कौन सा होता है? ग्रेविटेशनल, ये लास्ट में आ जाएगा। तो एक डिसेंडिंग ऑर्डर में इनको भी हम अरेंज करेंगे। क्लियर है? किस किस के बीच लगता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स? दो चार्ज पार्टिकल्स के बीच। कैसा हो सकता है? अट्रैक्शन भी हो सकता है और रिपल्सन भी हो सकता है। दो तरीके के होते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स जो एक्ट करता है बिटवीन टू रेस्ट चार्जेस, और मैग्नेटिक फोर्स कब एक्ट करता है? जब चार्ज मूव करता है और मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करता है। ये कैसा फोर्स है? लॉन्ग रेंज, मतलब इसकी रेंज भी कहां तक होती है? इनफाइनाइट तक। वीकर देन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से क्या होता है? वीक होता है। स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स एंड वीक न्यूक्लियर, ग्रेविटेशनल से स्ट्रॉन्ग होता है और वीक न्यूक्लियर फोर्स से भी ये स्ट्रॉन्ग होता है। तो ये दो फोर्स हो गए आपके। थर्ड पर चलते हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ये क्या होता है इसके बारे में देखेंगे। थर्ड आएगा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अब सुनो आप ध्यान से, किसी भी न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होता है बताओ आप, क्या होता है बताओ, क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है क्या? नहीं होता। न्यूक्लियस की बात कर रहा हूं, न्यूक्लियस, एटम की बात नहीं कर रहा, एटम की बात नहीं कर रहा, किसकी बात कर रहा हूं? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं होता, प्रोटॉन होता है, बिल्कुल होता है। चलो मैं कुछ प्रोटॉन बताता हूं, ये प्रोटॉन, ये प्रोटॉन, ये प्रोटॉन, ये प्रोटॉन, फोर प्रोटॉन बना दिए मैंने। न्यूट्रॉन होते हैं, बिल्कुल होते हैं, ये रहे न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता बच्चों, इनका नाम ही न्यूट्रॉन है। तो ये जो मैंने ब्लैक में बनाए तो न्यूट्रॉन है, और पॉजिटिव जो बनाए वो प्रोटॉन है। इलेक्ट्रॉन अंदर होते नहीं है, हटाओ इनको। तो न्यूक्लियस कुछ ऐसा होता है, कुछ प्रोटॉन कुछ न्यूट्रॉन्स। अच्छा, प्रोटॉन प्रोटॉन पे कैसा चार्ज है? पॉजिटिव है दोनों पर। अच्छा, दो पॉजिटिव चार्ज के बीच में कौन सा फोर्स लगना चाहिए? रिपल्सन। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, जो लाइक चार्जेस होते हैं वो क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। तो बच्चों रिपेल से तो ये भी बाहर आ गया, ये भी बाहर आ गया, ये भी बाहर आ गया, ये भी बाहर आ गया।
और डिस्ट्रॉय हो गया आपका न्यूक्लियस, खत्म हो गया। ऐसा हो सकता, अगर ऐसा होता तो इस दुनिया में कुछ भी नहीं होता, क्योंकि हर चीज एटम की बनी है और एटम के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस। अगर न्यूक्लियस ही खत्म हो जाता तो क्या कुछ बनता, एटम ही नहीं बनता, और एटम नहीं बनता तो कोई भी मटेरियल नहीं बनता, चाहे ये बोर्ड हो, चाहे ये वॉल हो, चाहे मैं हूं, चाहे आप हो, ये सब एटम से बना हुआ है, और एटम के अंदर क्या है, न्यूक्लियस। तो अगर न्यूक्लियस ही खत्म हो जाता तो क्या कोई भी मटेरियल होता इस दुनिया में, कुछ भी नहीं होता, ऐसा होता नहीं। तो एक फोर्स जो रिपल्सन था वो तो इनको भगाना चाह रहा है बाहर, पॉजिटिव पॉजिटिव में रिपल्सन लग रहा है, वो इनको फेंकना चाह रहा है बाहर। पर कौन सा फोर्स है जो इनको अट्रैक्ट करके रख रखा है, इनको जो अट्रैक्ट करके रख रखा है जिस फोर्स ने, उसी को हम क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। इस ये न्यूक्लियस है तो इसका कारण कौन सा फोर्स है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, इतना ज्यादा अट्रैक्ट करके रखता है कि आप इस प्रोटॉन को न्यूक्लियस से बाहर निकाल ही नहीं सकते, चाहे आप कोई भी तरीका अपना लो ये बाहर आएगा ही नहीं, क्योंकि ये इतना ज्यादा पावरफुल फोर्स होता है। क्लियर है कहानी? तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कहाँ लगता है, न्यूक्लियस के अंदर, किस किस के बीच लगेगा, केवल प्रोटोनों में नहीं लगता, सब में लगता है, ये प्रोटॉन प्रोटॉन में लगता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन में लगता है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन सबके बीच लगता है। और इसका काम क्या होता है, न्यूक्लियंस को, ये न्यूक्लियंस कहलाते हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को मिला के क्या कहते हैं, न्यूक्लियंस। तो न्यूक्लियंस को सबको न्यूक्लियस के अंदर रखना, ये काम होता है किसका, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का। और बच्चों किस किस के बीच लगेगा ये, प्रोटॉन प्रोटॉन, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन थे उनमें भी लगेगा, प्रोटॉन न्यूट्रॉन उनमें भी लगेगा, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन उनमें भी, सारे न्यूक्लियॉन्स एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट, और सब एक दूसरे से बंधे रहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच नहीं लगता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन चला गया न्यूक्लियस के बाहर, इलेक्ट्रॉन का होता है ये न्यूक्लियस होता है बीच में पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन होता है यहाँ ऑर्बिट्स के अंदर, ये तो यहां होने दो, इससे कोई मतलब नहीं है, ये केवल अंदर ही अंदर लगता है फोर्स, केवल यहां और कहीं नहीं लगेगा, इन दोनों के बीच नहीं लगेगा ये फोर्स। क्लियर है? तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन, इनके बीच में ये फोर्स नहीं लगता। और एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट कि ये जो फोर्स है, चाहे प्रोटॉन प्रोटॉन हो, चाहे न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन हो, सब में इक्वल लगेगा। ऐसा नहीं है कि प्रोटॉन प्रोटॉन में ज्यादा लग जाए और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में कम लगे, नहीं, सब में एक जैसा इक्वल फोर्स लगता है। तो हम कह सकते हैं ये चार्ज इंडिपेंडेंट होता है, मतलब चार्ज पर डिपेंड नहीं होता, ये फोर्स क्या होता है, चार्ज इंडिपेंडेंट, चार्ज कोई सा भी हो इक्वल फोर्स लगेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में ये लगता नहीं है, ये शॉर्ट रेंज फोर्स है। कैसा फोर्स है ये, शॉर्ट रेंज, बहुत छोटी रेंज होती है इसकी, कितनी होती है, केवल न्यूक्लियस न्यूक्लियस में लगता है, तो इसकी रेंज होती है न्यूक्लियस की रेडियस के बराबर, 10^-15 मीटर के रेडियस में ही ये फोर्स लगता है, उसके बाहर ये फोर्स नहीं लगता है। तो ये कैसा फोर्स है, शॉर्ट, और ये स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है नेचर में, इसके नाम में लिख रहा है स्ट्रॉन्गेस्ट, इसके नाम से लिख रहा है ना स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर, तो ये स्ट्रॉन्ग है, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग, इन स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर, नेचर का सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स अगर आपसे पूछा जाए तो यही है, इससे बड़ा फोर्स इस नेचर में नहीं है। तो ये बच्चों क्लियर हो गई सारी कहानी आपको, कैसे लगता है क्या लगता है। फोर्थ में हम आते हैं, ये है वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो बच्चों ये जो है ये भी न्यूक्लियस के अंदर ही लगेगा, यही होगा, शॉर्ट रेंज होगा, लेकिन इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। इसके इसके ऑर्डर को हम पढ़ लेंगे कहां पे होता है, ये जैसे बीटा डिके होता है, एक फिनोमिनन होता है बीटा डिके, बीटा रेज बाहर निकलती है उसको क्या कहते हैं, बीटा डिके। तो जब ऐसे कुछ विशेष फिनोमिनन होते हैं, स्पेसिफिक फिनोमिनन होते हैं बीटा डिके जैसे, तब ये फोर्स न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स को बांध के रखने का काम करता है कि कहीं ये बाहर नहीं चले जाए। तो ये केवल जब ही ओरिजिन होता है इन इस समय जब बीटा डिके हो, हमेशा नहीं होता, हमेशा कौन सा लगेगा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। और ये कब लगेगा, कुछ जो स्पेसिफिक फिनोमिनन होते हैं कुछ, उस समय जो न्यूक्लियॉन्स होते हैं उनके बीच में वीक न्यूक्लियर फोर्स भी वर्क करने लगता है। तो बस इसके बारे में इतना ही है, ज्यादा कुछ नहीं है, छोटा फोर्स है ये, और कभी कभी ही आता है ये फुल फेम में, और हमेशा ये नहीं लगता, हमेशा लगता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स।
अब अगर इनके ऑर्डर की बात की जाए, डिसेंडिंग ऑर्डर, तो डिसेंडिंग ऑर्डर की अगर मैं बात करूं तो सबसे बड़ा फोर्स है नेचर में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, इस नेचर का सबसे बड़ा फोर्स है। फिर इसके बाद आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स सेकंड नंबर पे, फिर आता है वीक न्यूक्लियर फोर्स, और सबसे बेचारा सबसे छोटा फोर्स हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये ऑर्डर होता है बच्चों, ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट और ये वीकेस्ट फोर्स इन द नेचर। अगर इनका हम रेशो देखें 1:10^-2, 10^-13, 10^-38, तो आप देखो ये 1 है तो ये माइनस में जा रहा है, 10^-38 इज द वेरी 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 स्मॉल क्वांटिटी, तो इतना स्मॉल होता है ये स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स। ठीक है, तो ये इनका ऑर्डर आपको याद रखना है, रेंज आपको याद रखनी है। इसकी रेंज कैसी है? इसकी रेंज है 10^-15 मीटर। इसकी रेंज क्या है? इनफाइनाइट। इसकी रेंज भी 10^-15 मीटर और इसकी रेंज इनफाइनाइट। तो रेंजेस हो गई, इनकी इंटेंसिटी का रेशो हो गया, इनका डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया। तो अगर आपने आपसे इन फोर्सेस के बीच का अगर डिफरेंस पूछा जाए तो आप उस तरीके से भी इस क्वेश्चन को बना सकते हो। ये कैसा होता है? ये अट्रैक्शन होता है, ऑलवेज अट्रैक्शन। ये क्या है? ये दोनों हो सकता है, अट्रैक्शन भी हो सकता है और रिपल्सन भी हो सकता है, क्योंकि ये चार्जेस में लगता है। ये भी ऑलवेज अट्रैक्शन, ये भी ऑलवेज अट्रैक्शन। तो इनमें से तीन फोर्स तो हमेशा अट्रैक्शन ही होते हैं, केवल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ऐसा है जो अट्रैक्शन भी हो सकता है और रिपल्सन भी हो सकता है। तो बच्चों ये पूरा इसका ऑर्डर था, ये आपका कंप्लीट फर्स्ट चैप्टर फिजिकल वर्ल्ड, इसमें आपको इतना ही पढ़ना है, बाकी के टॉपिक इसमें से कैंसिल हो चुके हैं। केवल अभी आपको 2000, और वैसे भी आप ये बात याद रखना, फर्स्ट चैप्टर में से किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम में कुछ नहीं आता, चाहे नीट दे लो चाहे आप IIT दे लो, फर्स्ट चैप्टर केवल एक बेसिक चैप्टर है। थोड़ा थोड़ा हमें फिजिक्स के बारे में इसमें बताया जाता है कि होती क्या है फिजिक्स और ये यूनिवर्स क्या होता है, इसमें क्या क्या होता है। तो इससे ज्यादा कुछ कॉम्पिटिशन एग्जाम में कुछ भी नहीं आता है, जीरो है बिल्कुल। तो चैप्टर स्टार्ट होता है, मेन फिजिक्स स्टार्ट होती है अपने चैप्टर नंबर 2 मेजरमेंट से। ठीक है, तो अब अपन आगे वीडियो में चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे, आप इन फोर्सेस को एक बार अच्छी तरह देख लो।